सुबह की शुरुआत होती है मेरी योगा से। सबसे पहले मैंने योगा करा उठ के, फिर उसके बाद चादर वादर समेटी मैंने, घर भी साफ़ करना था, झाड़ू पोछा मैं बाद में करती हूँ, सुबह बेटी को उठाया जल्दी क्योंकि उसकी बस आ जाती है सुबह 6 बजे। चादर ठीक करने के बाद मैंने कुछ कपड़े फोल्ड करे, फिर उसके बाद आयरन की कढ़ाई में बेटी के लिए दूध गर्म करा। दूध गर्म करने के बाद मेरा मूड था सैंडविच बनाने का। आज मैं 3:30 बजे उठ गई थी सुबह, नहा धो के मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए सैंडविच बनाया। सैंडविच बनाने के बाद फिर अपनी बेटी के लिए बनाया। बेटी के बनाने के बाद फिर मैंने कहा चलो और लोगों के लिए हम बाद में बनाएंगे, पहले उसका टिफ़िन तैयार कर देती हूँ मैं, क्योंकि उसे जाना होता है और जल्दी जल्दी करना था मैंने, क्योंकि इसके बाद मैंने करनी थी पूजा। सैंडविच बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है क्योंकि टोस्टर में मेरे काफ़ी कॉकरोच हो रहे थे, और उसके बाद मैंने इन कॉकरोचों की सफाई के बाद बेटी उठी और उसके बाद एक सैंडविच उसने सुबह ही बिना मुँह धोए खा लिया। फिर टिफ़िन तैयार करा मैंने उसका, फिर मैंने भोलेनाथ जी को जल चढ़ाया। जल चढ़ाने के बाद उसके बाद दिया बत्ती करी और नंदी महाराज जी को मैंने फूल चढ़ाए। सोमवार की पूजा करने के बाद मैंने बेटी को लगाया टीका, राधे राधे बोला, और ये रही मेरी चाय और ये रहा।